हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप डिस्कस करेंगे द हिंदू के न्यूज आर्टिकल्स को, उन आर्टिकल्स को जो पीसीएस या यूपीएससी के पेपर में करेंट अफेयर या किसी और आर्टिकल में, किसी और टॉपिक में आते हों। मेंस राइटिंग में इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है, और प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है आज का कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित किया है पेगासस का, जो स्नूपिंग का एलिगेशन लगाया गया है कंट्री के गवर्नमेंट पर। इजराइल की जो कंपनी उसमें शामिल है, जिसमें कई मंत्री, कई एमएलए, एमपी और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के फोन को स्नूपिंग किया गया है, खास करके अपोजिशन पार्टी के करेंट में कंट्री में। अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इस कमेटी के हेड कौन है? इस कमेटी के हेड है आरवी रविंद्रन। ये जस्टिस हैं, जज रह चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ही जज रह चुके हैं आरवी रविंद्रन। और ये कमेटी किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उनके साथ दो और भी जज थे, तो एक तीन जज के बेंच ने इस कमेटी को फॉर्म किया है, गठित किया है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है, और इसके हेड हैं आरवी रविंद्रन। तो आपको नाम याद रखना है, आरवी रविंद्रन इस कमेटी के हेड हैं जो पेगासस एलिगेशन को एग्जामिन करने के लिए बनाया गया है। इंडिया का कहना है चाइना से कि डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई एलएसी मूव्स, इंडिया टेल्स चाइना। आपको याद होगा डोकलाम इशू के बाद चाइना ने एक विलेज डेवलप कर लिया था भूटान के पास। डोकलाम कौन से एरिया में पड़ता है? डोकलाम इंडिया भूटान चाइना के ट्राई पॉइंट पर है ना, और एलएसी टोटली तीन जगह पे है। तो डोकलाम में जो नया विलेज बनाया हुआ है उसे लेकर की बातें चल रही है, और ये एलएसी वहीं की बात है। नया एलएसी चाइना यूज करना चाह रहा है, नया एलएसी बनाना चाह रहा है वो। इंडिया ने अपोजिशन रजिस्टर किया है। दिल्ली गवर्नमेंट एड्स अयोध्या टू फ्री पिलग्रिमेज स्कीम। दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्कीम है पिलग्रिमेज से लेकर के, जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ के ट्रेवलिंग से लेकर के, नाम है उसका मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। इसमें अयोध्या को ऐड किया गया। ये योजना का नाम इम्पोर्टेंट है, आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना या तीर्थ यात्रा योजना किस स्टेट या यूटी का है, तो ये दिल्ली का है। सेंटर वांट्स टू कीप बर्थ डेथ डेटाबेस। पॉपुलेशन को लेकर के भी कंट्री में काफी कुछ चल रहा है, चाहे वो एनएसी हो, एनआरसी हो, या जो भी चीजें हो रही हो। अभी 2021 में सेंसस का भी प्रोग्राम चल रहा है। सेंटर ने एक लॉ है जो डेथ और बर्थ को रेगुलेट करता है, रजिस्टर करता है। उस लॉ का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, आरबीडी 1969। आरबीडी शॉर्टकट में हो गया रजिस्ट्रेशन, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ। तो इस एक्ट का नाम है, यहाँ देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन फॉर डेथ बर्थ एंड डेथ एक्ट। ये वो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। मेंस में ये आप मेंशन कर सकते हैं, प्री में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये आर्टिकल। ये याद रखना कि बर्थ और डेथ को रेगुलेट करने वाला, मॉनिटर करने वाला एक्ट है वो 1969 में आया था। ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जनरली डेथ और बर्थ ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट रजिस्ट्रार के हाथ में होता है इसे रजिस्टर करना। लेकिन सुप्रीम को ये सेंटर ने कहा है, जो सुप्रीम गवर्नमेंट है कंट्री की, उसने कहा है कि अब से जो सेंटर में रजिस्ट्रार होगा वो भी इसमें हेल्प करेगा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेशनल लेवल के जो रजिस्ट्रार होंगे वो भी डायरी को मेंटेन करेंगे जिसमें डेथ और वर्थ मेंशन किया जाता है। मुल्ला पेरियार वाटर लेवल कैन स्टे। पैनल का कहना है कि मुल्ला पेरियार जो केरला और तमिलनाडु के बीच में, मुल्ला पेरियार का इशू, मुल्ला पेरियार एक रिवर है, ये पेरियार डैम भी है, मुल्ला डैम भी है, एक और डैम है इदुक्की डैम जो केरला में बना हुआ है। एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम इदुक्की और मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के है। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि मुल्ला पेरियार डैम से पानी सफिशियंट नहीं छोड़ा जाता है। मुल्ला पेरियार का कहना है कि, तमिलनाडु का कहना है कि हमारे पास इतना वाटर होता ही नहीं कि हम यूज करने के बाद आपको दे सकें। लगभग हर जगह यही इशू है वाटर इरिगेशन को लेकर के। तो मुल्ला पेरियार डैम किस किस स्टेट के बीच में है
ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है। एक आर्टिकल है ड्राफ्ट मास्टर प्लान फॉर डेवलपमेंट 2041, एमपीडी 2041। ये दिल्ली का प्लान है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक स्टेचुटरी बॉडी है दिल्ली गवर्नमेंट का, डीडीए कहते हैं शॉर्टकट में इसे। इसने एक प्लान निकाला है ड्राफ्ट मास्टर प्लान, जिसमें दिल्ली को डेवलप करना है, फिर से अरेंज करना है चंडीगढ़ के टाइप का, है ना, जहाँ पे सारी चीजें प्लान्ड होगी, रोड प्लान्ड होंगे, सीवर प्लान्ड होंगे, एवरीथिंग विल बी प्लान्ड। तो इसका डेडलाइन रखा गया है 2041। इस पे पब्लिक से भी काफी रिव्यू मांगे गए थे। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक ऐड आया है जिसमें ये कहा गया है कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, 3 दिन का नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ये रायपुर में होने वाला है, और रायपुर आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एक रायपुर महाराष्ट्र में भी है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये वो रायपुर है जो छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसकी राजधानी है। 28 से 30 अक्टूबर तक यहाँ पे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होना है। प्री के लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट और यूपीएससी के लिए। ट्राइबल फेस्टिवल तमीन ये रायपुर में होना है इस बार। श्रीलंका में जो पॉलिटिकल चीजें चल रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है हाई लेवल पे, उस पर एक आर्टिकल आया है। इसमें कहा गया है कि ग्राउंड बीनीथ द प्रेसिडेंट फिट, कंटिन्यूइंग फेल्यूअर्स एंड कंफ्यूजन इन पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन आर एट द हार्ट ऑफ श्रीलंका गवर्नेंस क्राइसिस। ये आर्टिकल आपको मेन्स में काम आ सकता है, जब इंडिया श्रीलंका के रिलेशन की बात हो या डेमोक्रेटिक सेटअप इन एशियन कंट्रीज की बात हो, तब तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं 2-4 लाइन कि श्रीलंका भी परमानेंट डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ अब तक नहीं बढ़ पाया है, हमेशा उठापटक चलती रहती है। अभी भी वहां जो गोटाबिया राजपक्ष हैं, दोनों भाई ने मिलकर के गवर्नमेंट चला रहे, एक प्रेसिडेंट है एक प्राइम मिनिस्टर है, तो वहां पे वो कुछ अमेंडमेंट लाया हुआ है उन्होंने, और वो अमेंडमेंट ना केवल इंडिया के लिए बट और भी जो नेबरिंग कंट्री है उनके लिए सही नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी कोऑपरेशन एट द बैकबोन ऑफ इंडिया रशिया टाइज। रशिया एनर्जी इंडिया का नो डाउट ऑल वेदर फ्रेंड है। अभी 6th ईस्ट इकोनॉमिक फोरम हुआ था, रशिया में हुआ था, व्लादिवोस्टोक एक जगह पड़ता है वहां पे। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम या ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहते हैं इसे, 6th नंबर पे था ये। मोदी ने भी पार्ट लिया था, अपने प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली, सेप्टेम्बर में हुआ था। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टोक रशिया में हुआ था। कुछ और चीजें देख सकते हैं आप, रशिया के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। नो डाउट आर्म्स वगैरह तो रशिया काफी सप्लाई करता है। इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर रशिया ही है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है इंडिया रशिया के रिलेशन को लेकर के, और फोकस में है एनर्जी कोऑपरेशन। आर्म्स डील तो चलते ही रहते हैं दोनों कंट्री के बीच में, चाहे वो S-400 हो या ब्रह्मोस हो। इस बार फोकस में है एनर्जी कोऑपरेशन। अभी सितंबर में 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का कन्वेंशन हुआ था रशिया में, व्लादिवोस्टोक में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इन्वाइट किए गए थे वर्चुअली, सही। और जामनगर जो गुजरात में पड़ता है, वहां पे लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया है रशिया के हेल्प से। फिर से दोहराता हूं मैं, रशियन हेल्प से गुजरात के जामनगर में कंट्री का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया है। ये पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, रबर एक पेट्रोकेमिकल का एग्जाम्पल है। ब्यूटाइल रबर में नंबर 1 पर है पूरे साउथ एशिया में, ये जामनगर का जो फैक्ट्री सेटअप किया गया, किसके हेल्प से, रशिया के हेल्प से। बात अगले आर्टिकल की करें, इसी में रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया ग्रीन एनर्जी के पथ पे काफी फास्टली मूव कर रहा है। इंडिया का टारगेट 100 GW रिन्यूएबल एनर्जी का था 2022 तक,
लेकिन अब उसे बढ़ाकर 175 175 जीगाबाइट कर दिया गया है। पहले ये केवल 15 जीगाबाइट था, फिर उसे बढ़ाकर 100 किया गया था, क्योंकि 15 की जगह 25 इंडिया ने कब का अचीव कर लिया था 2018 में ही। अब उसे बढ़ाकर 175 जीगाबाइट कर दिया गया है और दिसंबर 2022 तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, द नीड टू मूव अवे फ्रॉम क्लाइंटिलिज्म। ये फ्रीवी की बात की जा रही है जो चुनाव के टाइम पे कहे जाते हैं, वादे किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इसमें तमिलनाडु का एक जगह है सलेम, वहां पे लोगों को फ्री में रंगीन टीवी दिया गया है, कलर टीवी दिया गया है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे ऐसा वादा किया गया था कि हर एक को हम कलर टीवी देंगे, हर एक परिवार को। तो ये फ्री भी कंट्री को किसी अच्छे पथ पे नहीं ले जा सकता, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल टैक्स। ये डेवलपमेंट का तो पार्ट नहीं है, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाना ऑब्वियस ही बात है, डेवलपमेंट नहीं है 100%। हेल्थ केयर को स्ट्रेंथ करने की बात, स्ट्रेंथिंग करने की बात हो रही है, मजबूत करने की बात कही गई है। अभी इंडिया का हेल्थ केयर में जो बजट का प्रोविजन है बहुत कम है, 2% से भी कम है, उसे बढ़ा करके 4.5% करने की बात की गई है। कुछ और आर्टिकल्स को देखते हैं। स्टैलिन जो कि तमिलनाडु के सीएम है, उनका कहना है डैम स्टोरेज वेल विद इन परमिटेड लेवल। अभी केरला ने आरोप लगाया था, तभी वो पैनल का फैसला आया था जो फर्स्ट पेज में हम डिस्कस कर रहे थे। मुल्ला पेरियार डैम की बात की जा रही है, हर एक डैम का स्टोरेज कैपेसिटी होता है। दूसरा स्टेट कंप्लेन तब करता है जब एक स्टेट उस कैपेसिटी से ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेता है, दूसरे को मिलता ही नहीं। तो स्टालिन का कहना है कि भाई जितना परमिट है हमने उतना ही किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल एस्टेब्लिश किया है, वही न्यूज अब रिपीट हो रहा है। आरवी रविचंद्रन के, वी आर रविचंद्रन के चेयरमैनशिप में सेंटर वांट्स वर्थ डेथ डेटाबेस। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, साउथ इंडिया के स्टेट हो गए, ये लोकल पॉलिटिक्स के कारण फैक्ट को छुपाते हैं या फैक्ट को पब्लिश नहीं करते। तो सेंटर अगर कह रही है कि डेथ और बर्थ को मैं भी रजिस्टर करूंगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया रिस्पेक्ट्स एंड क्लॉस राइट, ये यूएन क्लॉस यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है, लॉ ऑफ सी पे अनक्लॉस कहते हैं इसे। इंडिया इसका पार्ट है, मेंबर है, पार्टी है। ये ट्रीटी आया था 1982 में, अनक्लॉस शॉर्टकट में याद रखें आप, 1982 का एक ट्रीटी है जो वर्ल्ड में ओशियंस राइट या वाटर राइट को टारगेट करता है, वेल डिफाइन करता है कि किस कंट्री का राइट कहां तक है। जनरली 12 नॉटिकल माइल एक लिमिट रखा गया है, वहां तक का वाटर में उस कंट्री का ऑथोरिटी होता है जो वहां एस्टेब्लिश्ड है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशियन में 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई आएगा तो वो इंडिया से परमिशन लेगा, किसी भी कंट्री का सीप हो, उस पर अपना एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है। इसके अलावा अनक्लॉस ओशियन माइनिंग हो, इन सब चीजों को भी रेगुलेट करता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और सेंटर में कल एक छोटा सा एनकाउंटर हुआ है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं सेंटर के, यानी कंट्री के, उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट को हर एक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे मुझे सोचना पड़ेगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी के बहाना बना करके आप सुप्रीम कोर्ट को इनकार कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने से। देखिए यहाँ वो लाइन मेंशन है, मिस्टर मेहता हैड रिफ्यूज्ड द कोर्ट्स रिपीटेड एडवाइस टू फिल ए डिटेल्ड एफिडेविट रिस्पोंडिंग टू द स्नूपिंग एलिगेशंस, ब्लैंकली स्टेटिंग दैट द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन फैक्ट्स माइट अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि एक पैनल सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया है, फॉर्म किया है, जस्टिस वी आर रविचंद्रन के चेयरमैनशिप में। आगे बढ़ते हैं,
आज का ज्यादातर न्यूज आर्टिकल पैनल से ही रिलेटेड है जो एस्टेब्लिश किया गया है, जो फॉर्म किया गया है स्नूपिंग पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आरवी रविचंद्रन एक्सपर्ट कमेटी के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं या पैनल ऑन स्नूपिंग कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया है कि आपको कैसे एक डिटेल निकालना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहा गया है कि आप 2019 तक जाएं, जब पेगासस पहली बार सुना और देखा गया था, जब यूज किया गया था फर्स्ट टाइम कंट्री में। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करता है, फिर से उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। चेयरमैन अभी विवेक देव राय हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये ना केवल पैरेलल फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम करता है गवर्नमेंट के लिए, बल्कि कई चीजों पर जेन्यून एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ही कंट्री में जो गन्ने की खेती होती है, सुगर केन, उसका प्राइस एमएसपी यही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल डिसाइड करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, ना कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्वीडन एक इनिशिएटिव चलाएगा जिसका नाम है टाइम फॉर इंडिया। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है टाइम फॉर इंडिया, ये एक इनिशिएटिव होगा इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से। एक टर्म यूज किया गया है यहाँ, इंसाकॉग। इंसाकॉग का मतलब है आई एन फॉर इंडिया, एस ए फॉर सार्स, सी ओ फॉर कोविड 2 एंड जी फॉर जीनोम कंसोर्टियम। इंडिया सार्स कोविड 2 जीनोम कंसोर्टियम इंसाकॉग, ये करता क्या है, इंसाकॉग नए जो वेरिएंट आते हैं वायरस के उसे वेरीफाई करता है और उसके बारे में वार्निंग देता है, पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन। अभी जो नया वेरिएंट जो चल रहा है उसका नाम है AY4.2, इसके पहले B17.34 आया था इंडिया में। इंडियन वेरिएंट भी था, ब्रिटिश वेरिएंट भी था, ब्राजीलियन वेरिएंट भी था। इंडियन एक दो वेरिएंट आप याद रख सकते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी साल और अगले साल के लिए। कोविड एक बार खत्म हो गया तो मेमोरी से भी ये चीजें खत्म हो जाएगी। सो इंसाकॉग इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी है जो नए वेरिएंट को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है, पब्लिक को अवेयर करता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक रिपीटेड फेनोमेना है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एंटी कूप का, हालांकि म्यांमार में भी हुआ है बट एशियन कंट्रीज में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं है जितना अफ्रीकन कंट्रीज में। सूडान एक जगह है, एक्चुअली दो सूडान है, साउथ सूडान नॉर्थ सूडान। ये सूडान साउथ सूडान की बात ज्यादा की जाती है, नॉर्थ सूडान बहुत छोटा है। इसका कैपिटल है खार्तूम, इंपॉर्टेंट है, सूडान का कैपिटल है खार्तूम, यहां मेंशन किया हुआ है। अभी वहां पे एंटी कूप हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को अंडरगार्ड प्लेस कर दिया गया है। चाइना ने रिसेंटली हाइपरसोनिक टेस्ट किया था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था, हालांकि चाइना डिनाई कर रहा है, बट यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा भरी है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अब ये वो टाइम है जैसा 1957 में हुआ था, जब फर्स्ट टाइम रशिया ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया था और तब फिर रेस लग गई थी। इंडिया ने भी 69 में इसरो को एस्टेब्लिश किया और फिर धनाधन आर्यभट्ट, और उसके बाद पता ही है आपको कहां तक पहुंच गया सैटेलाइट के मामले में इंडिया, कई रिकॉर्ड हैं अपने नाम पे, इसरो के नाम पे। सेम कहना है यूएस जनरल का, वार्निंग दिया है उन्होंने कि ये एक नया रेस स्टार्ट होने जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल का, हाइपरसोनिक साउंड से 5 गुना तेज चलता है। आज के न्यूज में कुछ और तो खास नहीं है, ये अपना आर्टिकल था, आप इसे एक नजर और कभी सुन लें, देख लें, पढ़ लें, समझ लें, कुछ रिसर्च करना हो और कर लें। धन्यवाद।